भारत को एक बार फिर से बड़ी कूटनीतिक जीत हासिल हुई है। कतर में फांसी की सजा पाने वाले 8 पूर्व भारतीय नौसैनिक रिहा हो गए हैं। भारत सरकार ने सभी 8 भारतीयों की रिहाई पर खुशी जताई है। ये वीडियो जो आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनके चेहरे की खुशी ये साफ तौर पर बयां कर रही है कि अपने वतन भारत लौटकर इन्हें कितना सुकून मिला है और कितनी खुशी मिली है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि 8 में से 7 भारतीय वापस भारत लौट आए हैं। हम अपने नागरिकों की रिहाई और घर वापसी के लिए कतर के अमीर के फैसले की सराहना करते हैं। ये सभी 8 लोग जासूसी के आरोपों का सामना कर रहे थे, वहीं उन्हें मौत की सजा भी सुनाई गई थी। भारत के अनुरोध पर उनकी सजा को कतर के अमीर ने पहले ही कम कर दिया था और उम्र कैद में बदल दिया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक जिन 8 पूर्व भारतीय नौसैनिक को कतर के कोर्ट ने सजा सुनाई थी, उसमें रिटायर्ड कमांडर पुर्नेंद्रू तिवारी, कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कमांडर बीरेंद्र कुमार वर्मा, कैप्टन सौरभ वरिष्ठ, कमांडर सुगनाकर पकाल, कमांडर अमित नागपाल, कमांडर संजीव गुप्ता और सेलर रागेश शामिल थे। कतर के अमीर के आदेश पर भारतीयों की रिहाई हुई है। एक अपील के बाद सभी 8 लोगों को मौत की सजा को बदलकर 5 से 25 साल तक की कैद की सजा सुनाई गई थी। दूसरी अपील पर सुनवाई चल रही थी। इस बीच अमीर के आदेश पर रिहाई हो गई। वहीं आपको बता दें कि पीएम मोदी ने दिसंबर 2023 की शुरुआत में दुबई में कतर के अमीर से मुलाकात की थी। तब पीएम मोदी COP28 की बैठक भाग लेने के लिए दुबई गए थे। इस मुलाकात में 4 सप्ताह के भीतर ही फांसी की सजा पलट दी गई थी। जब इस केस में सुनवाई हो रही थी तब कोर्ट में भारत के राजदूत भी मौजूद थे। उनकी मौजूदगी ये बताती है कि मोदी सरकार इस मामले को लेकर कितनी गंभीर थी। वहीं आपको जानकारी के अनुसार बता दें कि साल 2022 में ये मामला शुरू हुआ था। 30 अगस्त 2022 में 8 भारतीयों को अज्ञात कारणों से गिरफ्तार किया गया था और एकांत कारावास में रखा गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन्हें कतर की खुफिया एजेंसी ने जासूसी के तौर पर गिरफ्तार किया था। फिर 1 अक्टूबर 2022 को दोहा में भारतीय राजदूत और मिशन के उप प्रमुख ने नौसेना के पूर्व दिग्गजों से मुलाकात की, जिसके बाद 3 अक्टूबर को पहली काउंसलर पहुंच प्रदान की गई। देहरा ग्लोबल के सीईओ ने भी अपने अधिकारियों से मदद करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने 2 महीने एकांत कारावास में बिताए और बाद में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। 2023 में इनकी मुश्किलें फिर बढ़ गई थी, यानी कि बात करें 1 मार्च 2023 में तो 8 भारतीयों में से कई जमानत याचिकाएं खारिज कर दी गई। इसके बाद इन्हें जेल में डाल दिया गया था। 25 मार्च 2023 को कतर की अदालत में 8 लोगों के खिलाफ आरोप दायर किए गए। 30 मई को देहरा ग्लोबल ने दोहा में अपना परिचालन बंद कर दिया और इसके पूर्व कर्मचारी जो ज्यादातर भारतीय थे वो घर लौट आए थे। वही 4 अगस्त को गिरफ्तार लोगों को उनके सहकर्मियों के साथ एकांत कारावास से जेल वार्ड में ले जाया गया। प्रत्येक सेल में 2 आदमी थे। 26 अक्टूबर को कतर की एक अदालत ने सभी 8 भारतीयों को मौत की सजा सुनाई थी। वहीं 9 नवंबर को भारत ने कहा कि उसने 8 पूर्व नौसेना कर्मचारियों को मौत की सजा पर कतर में अपील दायर की है। 23 नवंबर को अदालत ने मौत की सजा के खिलाफ भारत की अपील स्वीकार कर ली। 28 दिसंबर को भारत ने कहा कि 8 पूर्व नौसेना कर्मियों को अब कम सजा का सामना करना पड़ेगा। और फाइनली अब 12 फरवरी 2024 में भारत ने घोषणा की है कि भारतीय नौसेना के 8 दिग्गजों को रिहा कर दिया जाएगा। अमीर के आदेश पर रिहाई होगी। 7 भारतीय देश लौट आए। भारत ने कतर के अमीर को शुक्रिया किया। कांग्रेस ने इस फैसले पर खुशी जताई है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट किया, यानी ट्विटर पर पोस्ट किया, और उसमें लिखा कि सभी देशवासियों के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी खुद को इस खुशी में शामिल करती है कि कतर में अदालत से फांसी की सजा पाने वाले भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारी रिहा होकर घर वापस लौट आए। तो हमारी आज की इस खबर में बस इतना ही। इसी के साथ देखते रहिए द न्यूज़ 50।